बागेश्वर में महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल शामा पनियाली गांव में शराब की दुकान का विरोध लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने शराब की दुकान हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मजबूर होकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक, उनका कहना भी है वो तो महिलाओं के साथ है, वो महिलाओं के साथ है, वो हमारा सपोर्ट भी करेंगे, बट हम चाह रहे थे कि जिन्होंने हमें इतना विश्वास दिया था, वोट के टाइम पे इतना विश्वास दिया था, वो क्यों आज दूर हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं हमसे। हमें भले ही जो दो रोटी मिलते हैं, जो राशन मिलता है, भले ही वो एक ही रोटी मिले, वो राशन ना मिले, हम खेती करेंगे, पशुपालन से हम अपनी आजीविका को बढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये शराब नहीं चाहिए। देखिए भी सामा क्षेत्र की जो महिला मंगल दल है उनके द्वारा एक शिकायती पत्र भेजा गया है कि जो अगले वित्तीय वर्ष में वहाँ पे कोई दुकान आवंटन ना की जाए। तो अभी इसमें संबंधित डीओ और एसडीएम से मैं रिपोर्ट मांगूंगी, तो उनकी रिपोर्ट जैसी भी आएगी फिर उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। वहीं महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शराब की दुकान को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।